फ्रेंड्स, अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमने जी इसकी अपग्रेडेशन का जो है वो काम स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे मसला है, बहुत ज़्यादा धूप का जो है वो प्रॉब्लम चल रहा है और हमारे 3-4 घंटे जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, बल्कि ज़्यादा। तो ये देखें जी, ये हमने स्टैंड बनवाया है और ये मुकम्मल स्टैंड यहाँ पे लगेगा और ये पूरा घूमने वाला सिस्टम होगा। लेकिन हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे कि हमने छत के ऊपर इसको कैसे फिटिंग की और कैसे इसका काम हमने सर अंजाम पाया, यानी कि सारा कंप्लीट हुआ। तो देखें, इस वक्त हमने यहाँ पे मार्किंग की है और ये मार्किंग हमने की है जी दीवार के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइनें कुछ लगी हैं और यहाँ पर भी कटिंग का काम होगा और पूरा इसको काटा जाएगा। क्योंकि इस छत के ऊपर जो है वो हमने क्या किया हुआ है कि इसके ऊपर हमने जी डाला हुआ है, ये एक ईंटें लगाई हुई हैं, इसको के चौका बोलते हैं, और ये हमने उसके ऊपर लगाया हुआ है और इसके नीचे मिट्टी है, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक है, फिर उसके ऊपर छत है। तो यानी कि एक तय लगी हुई है। तो हमने क्या करना है कि हमने जो छत है, जो सीमेंट वाली जो हमने RCC हमने डाली थी, उसके ऊपर हमने इसको इंस्टॉल करना है ताकि हर किस्म की प्रॉब्लम से जो है वो महफूज रह सके। तो अभी हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं और आपको दिखाते हैं कि ये पूरा यहाँ पे देखें लाइनें लगी हैं, इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद जो है फिर इसके होल्स होंगे और नीचे से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम क्या करेंगे कि दीवार के ऊपर रख रहे हैं, यानी कि छत के सेंटर में या इधर उधर नहीं रखना, क्योंकि इसका काफ़ी वेट होगा। तो तकरीबन 300 kg प्लस इसका वेट है, तो इसलिए जो है ना इसका वेट हमने दीवार के ऊपर रखना है। तो वो मैं फिर जब नीचे से हम होल करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसको कैसे प्रॉपरली दीवार के ऊपर रखा और इसको कैसे प्रॉपरली हमने इंस्टॉल किया जी। और ये जी इस वक्त हमने ये जगह को साफ़ कर दिया है और देखें नीचे से जो है वो छत जो है वो निकलाई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखें पूरा हमने इसको इसके अंदर लगा दिया और अच्छे से लेवल करेंगे इसका। लेवल करके तो लेवल बाद में भी हम इनकी कर सकते हैं जब हम इसमें जो सीमेंट डालेंगे, लेकिन इस वक्त देखें हमने लेवल करके इसके होल करने हैं, तमाम के तमाम आर पार हम और होल करेंगे छत के अंदर और फिर इनको अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि एक मजबूती जो है वो छत के साथ आ जाए, क्योंकि इस पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड होना है। तो इसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो मेरा सेंटर है, जो मेरी सेंटर लाइन है, ये मेरी बिल्कुल नीचे इसकी दीवार है और इसकी फिर एक नीचे दीवार है। तो यानी कि मैंने लोड जो है वो सारे के सारा दीवार के ऊपर डाला है और छत की इस तरफ भी, यानी कि राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी मैं दोनों साइड पे होल करूँगा। और यानी कि इसके तकरीबन 12 होल हैं जो कि हमने रखे हुए हैं, देखें मुख्तलिफ पोजीशंस पे। तो ये होल तमाम करके तो इसको मजबूत कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिलने ना पाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने तमाम जो होल्स हैं इनकी मार्किंग कर दी है, निशान लगा दिए हैं। अब जो है हम बारी बारी तमाम होल जो हैं आर पार कर देंगे और फिर आपको दिखाएंगे नीचे से भी कि हमने दीवार में, दीवार के उस साइड पे एक दूसरा कमरा है और दूसरी साइड दूसरा कमरा है, तो दोनों साइड पे हम बोल्ट जब टाइट करेंगे तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने किया क्या है यहाँ पे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो होल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे हमने इसके जो बोल्ट्स हैं वो भी हमने लगा दिए हुए हैं, तो आप सब देख सकते हैं। और इसमें हमने वही टेक्निक यूज़ की है कि इसके साथ हमने सिलिकॉन का इस्तेमाल किया और दिल खोल के किया है ताकि किसी भी किस्म का जो है वो लीकेज का ख़तरा ना रहे। तो अभी हमने इनको टाइट किया हुआ है उसके ऊपर, तो आपको मैं इसके नीचे से कमरे में भी दिखाता हूँ कि इसको इसकी क्या पोजीशन आई है। तो आप देख सकते हैं, तो इस वक्त ये बिल्कुल एक बेस बन गई है। अब ये इस बेस के ऊपर हम जो है वो अपना स्टैंड रख लेंगे। अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ जी कमरे में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें ये इसके होल्स हैं और ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 जो होल हैं वो इस साइड पर हुए हैं। और ये देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दीवार है, दीवार के बीच में देखें इस तरफ भी एक कमरा है, ये देखें इस तरफ है जी होल कुछ हुए और यहाँ पे दीवार देख सकते हैं और ये कुछ होल्स इस तरफ हैं जी। आप देख सकते हैं ज़रा इस तरफ लाइट कम है इस कमरे में, तो देखें तो ये 5 होल इस तरफ हुए हैं। अब ये यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है और आपको मैंने दिखाया कि जैसे कि ये देखें ये लोड जो है वो दीवार पर आया है,
इस तरह से एक हाफ इधर हो गया और ये परफेक्ट हो गया काम, क्योंकि जो लोड था हमने दीवार के ऊपर डालना था ताकि छत पे जो है वो लोड ना रहे। और आप देख सकते हैं इस वक्त देखें यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे बोल्ट्स हैं इनके नीचे वाशरें रखी हमने और सिलिकॉन का इस्तेमाल जी हमने किया है ताकि किसी किस्म की लीकेज जो है वो वाटर लीकेज जो है वो प्रॉब्लम ना आ सके, क्योंकि यहाँ पे आप बड़े बड़े होल कर दिए थे हमने, तो इसलिए इनको बंद करना बहुत ज़रूरी था ताकि वाटर जो है वो नीचे की तरफ ना आए। अब यहाँ पे जो है वो जो बेस है हमारी वो कंक्रीट के लिए तैयार है और इसके ऊपर हमने तमाम जो आयरन हैं वो आयरन बार्स हैं वो हमने वेल्ड किए हैं और एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिए हैं ताकि इसमें मजबूती ज़्यादा से ज़्यादा रहे। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर जो है वो तमाम की तमाम कंक्रीट हमने डाल रहे हैं इसके अंदर ताकि इसको मजबूत किया जा सके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो बेस है और इसका पूरा पिलर जो है वो तैयार हो चुका है इस वक्त। आप देख सकते हैं कि इसको मुकम्मल तौर पे हमने रेडी कर दिया है और चारों कोनों से और काफ़ी हैवी सिस्टम बनाया है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया कि ये सारा वेट जो है वो दीवार के ऊपर है और छत के ऊपर कुछ हिस्सा है और कुछ दीवार के ऊपर है, तो अब ये तैयार है। तो अब हम यहाँ पे इसकी मुकम्मल फिटिंग करेंगे और इसके अंदर जी पूरा सिस्टम जो है यहाँ पे देखें ये पूरा बैरिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे हम बैरिंग फिट करते हैं फिर दिखाते हैं आपको कि ये कैसे सारे बैरिंग जो हैं वो लगते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें हम पूरे सिस्टम में यहाँ पे इसको ग्रीस करेंगे, इसको पहले हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, अब इसको पूरा प्रॉपरली ग्रीस कर देंगे ताकि इसके ऊपर हमने चूँकि दूसरी बेस बनानी है लगानी है तो इसको हम मुकम्मल ग्रीसिंग करेंगे। और ये देखें ये पूरा ग्रीस होगा, ये देखें जी पूरी ग्रीसिंग हो जाएगी, इससे ग्रीस से ये फ़ायदा होगा कि अब यहाँ पे देखें हम जो स्टील बॉल लगा देंगे, तो देखें स्टील बॉल्स हैं, अब मैं इसको पैक से निकालता हूँ तो देखें ये बॉल्स हैं, इसमें ये तमाम बॉल्स जो हैं इसमें हम लगाएंगे, देखें अब एक एक करके इसमें हम इंस्टॉल करते जाएंगे, तो देखें जी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैरिंग सिस्टम जो है वो तैयार हो चुका है और तमाम के तमाम जो इसमें बॉल थे बैरिंग बॉल हैं वो डाल दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे हम जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो इसके ऊपर रखेंगे, तो वो दिखाते हैं आपको कि वो कौन सा हिस्सा है जी। अब यहाँ पे देखें ये है जी इसका रोटेटिंग पिलर, अब स्टैंड के ऊपर हम इसको रखेंगे, तो थोड़ा हमें तीन बंदों को ज़रा मुश्किल हो रही थी इसको रखने में, फिर हमने मुकम्मल इसके लिए देखें अरेंजमेंट की और इसके लिए पूरी थिंकिंग करके, तो देखें अभी हम इसको उठा रहे हैं लेकिन नहीं डाला गया क्योंकि वहाँ पे जगह इसके लिए देखें बेटे के लिए ज़रा मुश्किल हो रहा था, तो फिर उसको मैंने बोला कि आप ऐसा करें कि स्टैंड क्योंकि ज़रा मुश्किल है तो इसको हटाएँ यहाँ से और इसको लंबा करें, तो लंबा करने के बाद फिर जो है हमने देखें अभी देखें इस तरफ लंबा कर लिया। अब देखें उसके लिए पांव रखने के लिए जगह बन गई है, अब जब हमने उठाया देखें आराम से हमने इसके ऊपर रख लिया। अब यहाँ पे ये देखें रोटेटिंग सिस्टम जो है वो रेडी है। अब यहाँ पे बारी है जी नेक्स्ट स्टेप की, और ये देखें जी ये जी हॉरिजॉन्टल पिलर है जो कि हमारे इसके विंग्स को जो है वो होल्ड करेगा। अब यहाँ पर देखें इसको हम डाल रहे हैं और इसके लिए भी हमने देखें प्रॉपरली जो है अरेंज किया है सारा कुछ, और देखें इसके ऊपर हमने इंस्टॉल कर दिया। और ये देखें इसके स्क्रूज़ वगैरह ऊपर प्लेट लगाई है ताकि इसको बांध दिया जाए अच्छे से और ताकि ये हिलने ना पाए अपनी जगह से। इसके अलावा इसके एंगल का भी सिस्टम यहीं पे मौजूद है ताकि इसके जो टिल्ट एंगल है वो हम यहाँ पे अरेंज कर सकें। अब यहाँ पर देखें बेटा जो है वो स्क्रूज़ को अच्छे से टाइट कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो विंग्स हैं वो हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, और दोनों एक विंग्स तो हमने इंस्टॉल कर लिया और दूसरे के लिए देखें बेटा जो है इस वक्त उसको उनके स्क्रूज़ को टाइट कर रहा है ताकि वो उनकी जो पोजीशन है अच्छे से होल्ड आ जाए। और फ्रेंड्स ये देखें जी अभी जो है वो विंग्स के बाद इसके जो है वो
बेस हम रेडी करने लगे हैं, जहाँ पे कि हमने पैनल्स जिनके ऊपर रख के और पैनल्स को टाइट करना है। और ये देखें जी, ये तमाम का तमाम एंगल है और ये तकरीबन 20 फीट है, तो 20 फीट लॉन्ग है और इस पे ऊपर तमाम के ऊपर जो पैनल्स हैं फिर इनके ऊपर जा जाएंगे। तो अभी हम इनको रेडी कर रहे हैं और देखें ये बेटा इनको टाइट कर रहा है, तो अभी दूसरे को भी टाइट कर लेगा। और अब है बारी जी अगले एंगल की, तो देखें अगला एंगल जो है वो फिट कर रहे हैं, तो इसके स्क्रू टाइट कर रहे हैं, तो दूसरा एंगल लग जाएगा। तो यहाँ से फिर हमारे जो है वो इसके ऊपर हम पैनल्स जो हैं वो रखने का काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, ये आखिरी जो है वो बोल्ट हम टाइट कर रहे हैं, तो चारों जो एंगल हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं देखें। और ये हमारा पूरा सिस्टम जो है वो रेडी हो चुका है, बेस यानी कि तैयार है, और ताकि हम इनके ऊपर जो है वो सोलर पैनल जो है वो फिट कर सकें। तो वन बाय वन अब इनके ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे, फिर इनको हम टिल्ट एंगल देंगे और यूं ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सोलर पैनल लगाने का काम स्टार्ट कर दिया है। और ये देखें जी, ये पहला सोलर पैनल हमने फिट किया, इसके बाद जो है वो अगले सोलर पैनल की बारी आ गई, और देखें जी सेकंड हमने लगा दिया, और यूं जो है वो छः के छः पैनल जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं वो इंस्टॉल कर देंगे। और सबका एक ही तरीक़ेकार होगा, दो बोल्ट नीचे लगते हैं और दो बोल्ट ऊपर की तरफ लगते हैं, तो यूं ये अपनी जगह होल्ड कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि जो पैनल्स हैं वो हमने इंस्टॉल कर दिए हैं और मुकम्मल तौर पे जो है वो 6 पैनल हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। इसके अलावा अभी ये नीचे की तरफ है और आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि ऊपर के साइड जो है वो खाली है, लेकिन वहाँ पे भी 6 पैनल आने हैं और इन 6 पैनल्स को हमने ऊपर की तरफ मूव कर देना है। ऊपर की तरफ मूव करिए और वो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इस तरह से ये हमारा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिलहाल इस वक्त हमारे पास 6 पैनल मौजूद हैं, तो वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि 360 डिग्री में कितनी आसानी से मूव करता है, तो चलिए मैं आपको शो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा कैमरा मैन अगर नज़दीक ले आए तो देखें यहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन की हुई है और ये रॉड आप देख सकते हैं और यहाँ पे हमने स्क्रू लगाया हुआ है। स्क्रू को खोल लेंगे, ये बोल्ट हम यहाँ से निकालेंगे, देखें जी ये बोल्ट एक इस तरफ है और एक दूसरा इस तरफ है जी। तो देखें यहाँ पर एक बोल्ट लगा हुआ है, इसको हम खोल लेंगे, तो ये देखें बोल्ट हमने निकाल दिए। अब यहाँ पे हम क्या है तो देखें बहुत आसानी से हम इसको जिस तरफ चाहें अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको घुमा सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको लेके जा सकते हैं। और इसकी बैक की आपको इंस्टॉलेशन भी दिखाते हैं कि हमने कितना अच्छे से इसको देखें खूबसूरती से हम लेके जा सकते हैं और अच्छे से हमने इसको इंस्टॉल किया देखें। और बैक आप देख सकते हैं, और इस वक्त थोड़ा सा मसला इधर दीवार के साथ, लेकिन जूँ ही ये हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो फिर ये मसला हमारा हल हो जाएगा। और इस तरह देख सकते हैं कि अब ये कंप्लीट हो चुका है, तो दोबारा हमने अगर इसको करना है तो बस यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको थोड़ा सा बैक करके स्क्रू दोबारा वापस डाल देंगे और ये हमारा सिस्टम सेफ रहेगा। आप देख सकते हैं ये मैंने वापस लगा दिया और दूसरे को भी लगा दूंगा, तो ये कहीं भी लगा दें आपने सामने थोड़ा सा करके, तो इसको आप लगा सकते हैं। और ये देखें जी ये नट नहीं लग रहा, तो लग जा भाई। और ये जी लग गया जी। और ये देखें जी ये कंप्लीट हो गया जी। और फ्रेंड्स, अभी अगर बात करते हैं जी इसकी प्राइस की, तो ये सिर्फ स्टैंड जो है ये हमें कॉस्ट पड़ी है जी इसकी तकरीबन 1,10,000, क्योंकि इंस्टॉलेशन के समेत मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो इंस्टॉलेशन हमने खुद की है, अगर हमसे कोई करवाना चाहता है तो फिर ये तकरीबन इतने इस पर कॉस्ट आती है। तो अब बात कर लेते हैं जी इसकी एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे, और कुछ अर्से बाद इसकी फिर आपको प्रोग्रेस भी बताएंगे कि इस पर हमें अभी तक की क्या प्रोग्रेस रही और इसने हमें कितनी सेविंग जो है उतने टाइम में कितनी सेविंग दी। तो मिलेंगे फिर उस वीडियो में, और साथ ही एक लाइक भी दे दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा।